हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो ढोलक वीडियो लेकर के आई हूँ, तो आज मैं आप लोग को फास्ट ढोलक कैसे बजाएंगे वो वाली ताल लेकर के आई हूँ, और बहुत ही आसानी और सरलता से आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। इतने सरल तरीके से बताऊंगी कि आप लोग मेरे साथ बैठ करके पूरा वीडियो देखेंगे और बजाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आप लोग को एक ही बार में चाहे ये ताल आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो आ जाइए आप लोग अपनी अपनी ढोलक लेकर के और मेरे साथ बजाने की कोशिश करिए। और जो मेरे चैनल पर नया आए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये मैं आप लोग को बता दूं, अभी जो नए बिगनर्स आए होंगे उनको बता दूं कि बड़ा भाग भी इसके लाते जहां हम धपाक लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर मारते हैं खुला बेस कहलाता है, बीच में लेते हैं बंद बेस, खुला बेस बंद बेस, और यहां से ही मारते हैं हम। देखिए उंगली से नहीं मारेंगे, ये गदेली से यहां मारते हैं। और ये बंद बेस, तो इस ताल में हमको खुला बेस ही लेना है, बंद बेस हम नहीं लेंगे, खुला बेस लेंगे। अब ये हमारा हो गया चाटी छोटा भाग, इसमें हम ग्रुप में तीन उंगली बजाते हैं, जैसे एक उंगली नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, तीन ऊपर एक नीचे, इस तरह से लेते हैं। अब जो हमारी ये ताल है मात्र एक से छह तक की गिनती में है, और बहुत ही अच्छी ताल है, बहुत ही मीठी ताल है, बहुत ही तेज गाने में आप बजा सकते हैं, मीडियम में भी लगा सकते हैं, और तेज गानों के लिए बहुत ही प्यारी ताल है ये। तो देखिए हम कैसे लेंगे। अब मात्र हमको यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बेस में हमको सिर्फ दो बार मारना है, दो बार हम खुला बेस लेंगे, और यहाँ पर हमको लेना है, देखिए एक दो तीन चार पांच छह बार हमको मारना है चाटी में, एक दो तीन चार पांच छह, चार पांच छह, जहां हम तीन ले रहे हैं वहीं पर हमको चार लेना है, जहां हमने तीन लिया वहीं पर चार, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, इस तरह से हमको लेना है। अब देखिए हम कैसे लेंगे, इसकी हमारी लय क्या रहेगी, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, ये हमारी लय रहेगी। तो हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, समझिए हमारा खुला बेस है और ये चाटी है, तो देखिए हम कैसे लेंगे, ये हमारा खुला बेस, तो हमको कैसे लेना, देखिए अब दोनों को मिलाते हैं हम, जब चाटी और बेस को कैसे मिलाएंगे। तो छह बहुत ही बारीकी से आप देखिएगा, यहाँ पर चाटी में हमको छह तक लेना है और यहाँ पर दो बार लेना है, एक दो, तो हम बेस से गिनती नहीं करेंगे, चाटी से गिनती करेंगे, और चाटी में उंगलियां चलाते हुए बेस को मिलाएंगे, कैसे देखिए। और इस ताल को और सरल करने के लिए पहले हम तीन तक ही सीखेंगे, फिर चार पांच छह बाद में बजाएंगे, जिससे आप लोग को और आसानी होगी सीखने में और आप जल्दी बजा पाएंगे। तो पहले हम क्या बजाएंगे, एक दो तीन, बस तीन तक ही बजाएंगे। चलिए तो कैसे बजाएंगे देखिए, तो तीन हमारा एक दो तीन, ये जो है हमारा चाटी में ग्रुप फिंगर, एक दो तीन, इस तरह से आएगा। अब बेस हम कैसे मिलाएंगे, इसमें देखिए एक एक में हमको तीन उंगली और ये लेना है, एक दो तीन, एक दो तीन। तो दोस्तों ये बेस हमारा दो बार बज रहा, दो बार हमारा ये तीन तक बज गया, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन। अब बेस हमारा हो गया, दो तक हमको बजाना था और तीन तक हमने ये बजा लिया, एक दो तीन। अब चार पांच छह हमारा, चार पांच छह, चाटी बस ही बजेगा, चार पांच छह, चार पांच छह, तब कैसे बजाएंगे देखिए, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा बेस है, देखिए यहाँ पर ये समझिए चाटी हमारी है, ये तीन एक तीन एक, तो कैसे लेंगे हमको, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन
चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, इस तरह से लेना है। अब चलिए हम धीरे धीरे बजाते हैं इसको, देखिए आप लोग भी मेरे साथ बजाइए धीरे धीरे। एक दो तीन चार पाँच छ, 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 एक दो तीन चार पाँच छ। बहुत ही आसान है, देखिए फिर से धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, मैं धीरे धीरे बजा के फिर इसको मीडियम करूंगी और तेज करूंगी। देखिए तेज गाना गा रहे हैं, देखिए मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया है। आप लोग यदि मन लगाकर कोशिश करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए इसमें आप कोई भी भजन लगाइए, तेज भजन और मीडियम वाले भी आप लगा सकते हैं, और बहुत फास्ट भजन है उसमें भी बहुत प्यारी बजेगी है। तो देखिए जैसे माता रानी का भजन है, मैं थोड़ी सा लगा करके आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। आप आरती में प्रैक्टिस करिए, आरती मीडियम तेज भजन गा करके प्रैक्टिस करिए, तेज तेज गा करके और तेज बजाइए। तो देखिए मैं चार लाइन माता रानी के गाने में लगा करके आपको बताती हूँ। और थपकी देखिए, बीच में थपकी तो लगाना बहुत जरूरी होता है, तो थपकी के बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं। तो आप लोग जैसे बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ दो थपकी जो मेरी बहुत ही आसान है उसको ही लगाइए, बहुत ही अच्छी हर गाने में लगती है, मरती। देखिए एक दो तीन चार इसको लगाइए आप, और एक एक दो तीन ये वाली लगाइए, इस वाली को लगाइए, और एक दो तीन चार इसको लगाइए और फिर बजाइए ढोलक। देखिए बहुत ही अच्छी ये थपकी आपकी मर जाएगी और आप लोग आसानी से बजा भी पाएंगे क्योंकि ये बहुत सरल थपकी है। तो देखिए जैसे मैं गाने में आपको यही थपकी लगा करके आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो देखिए मैं थपकी लगा करके बजाऊंगी तो वैसे ही आप लोग बजाइए। और थपकी आप लोग ने नहीं सीखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है थपकी का, तो उससे आप देख करके सीखिए। तो देखिए कैसे, तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया आया।
की है, एक दो तीन, एक दो तीन। गाने की डिमांड हो तो आप इसको डबल रिपीट कर सकते हैं और सिंगल आप बीच बीच में सिंगल भी लगा सकते हैं ऐसे, एक दो तीन। और जब डबल यदि आपको बजाना तो एक दो तीन, एक दो तीन। इस तरह से बजाइए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद। जय माता दी।